अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मायदास किचन विद समन। आज मैं आपके साथ अपनी एक न्यू रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। मेरी आज की रेसिपी चिकन विंग्स विद स्पैगेटी। तो चलिए देखते हैं हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। 1 kg ये चिकन विंग्स है और 1/2 packet ये स्पैगेटी का है जिसे मैंने बॉईल कर लिया हुआ है। 2 tbsp अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 tbsp कुटी हुई लाल मिर्च, हस्बे ज़रूरत नमक और 1 tsp काली मिर्च, 1/2 tsp ओरिगानो और 1 tbsp सोया सॉस, 1 tbsp चिली सॉस और 1 tbsp ऑयस्टर सॉस, 1 tbsp बारबेक्यू सॉस और 1 tbsp सिरका और 1/2 tsp मैंने इसमें मस्टर्ड पेस्ट डाला और इन तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स किया है। अब ये मैं चिकन विंग्स पे लगा के तमाम शियात अब ये सारी सॉस मैं चिकन विंग्स के ऊपर लगा दूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट, और नमक आप देख के डालिएगा इसलिए कि इसमें तमाम सॉस वगैरह में नमक होता है, तो नमक की मैं मकदार कम ही रखूँगी और बाद में टेस्ट करके बाद में डालूँगी। और तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसे मैं 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। तो फिर मिलते हैं 2 घंटे बाद। चिकन को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। अब मैं एक अदर कढ़ाई ले लूँगी और उसमें मैंने 1/2 cup ऑलिव ऑयल डाला है। अब मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। अब चिकन को मैंने कढ़ाई में डाली है और उसमें 5 से 6 अदर सब्ज़ मिर्च भी डाल दी है। अब मैं इसे ढक दूँगी और ढक के इसे अच्छे से गला लूँगी। अब चिकन में मैंने 1/2 glass पानी डाल दिया है और इसे मैं अच्छे से गला लूँगी। पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब मैं इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी और ये थोड़ी सी ओरिगानो डाल दूँगी। अब चिकन विंग्स को मैंने अच्छे से भून लिया। अब इसमें मैं स्पैगेटी डाल दूँगी। और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। स्पैगेटी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें 2 tbsp केचप और 2 tbsp मायोनीज़ डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इसे 1 से 2 मिनट तक इसे मज़ीद पकाऊँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार है। तो मिलते हैं गार्निश के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी गार्निश के साथ तैयार है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और मेरी इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और इस वबा से हमें महफूज रखे। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और हमसे खुश हो जाएं, अपनी नाराज़गी छोड़ दें। अल्लाह ताला हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें माफ़ फरमा दे और हमसे खुश हो जाएं। हमें हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। ओके जी, आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।